श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जो मैं आप लोगों को मंत्र देने जा रहा हूँ वो माँ भगवती भैरवी का मंत्र है। कौन माँ भगवती भैरवी? जो कि काल भैरव के साथ विराजती हैं, ठीक है। अनेक रूप है माँ भैरवी का और इस एक मंत्र में सारा जो भैरवी का स्वरूप है वो समाहित है। ये एक प्रणाम मंत्र है और जो भी काल भैरव की साधना करता है उसको ये मंत्र अनिवार्य जानना चाहिए। ये मंत्र कहाँ से आया? जब आदिनाथ जी ने कामाख्या तंत्र बताया भगवती को तो उसी में भैरव जी के बारे में एक प्रसंग आया। उस प्रसंग में आदिनाथ जी जो कि महादेव के स्वरूप थे उन्होंने बताया कि भैरव जी की पूजा में भैरवी की साधना बड़ा महत्व रखता है। भैरवी, माँ भैरवी, ये 10 महाविद्या में एक विद्या है और काल भैरव के साथ विराजती हैं। ऐसे तो जितने 10 महाविद्या हैं सबकी एक एक भैरवियाँ हैं, या फिर ऐसा बोले कि जो 10 महाविद्या हैं सबके एक एक भैरव हैं जिनका अलग अलग नाम है। ये अष्ट भैरव और जो 3 मुख्य भैरव हैं इनसे अलग होते हैं, लेकिन जब आप भैरव का विशुद्ध रूप से पूजा करते हो तो आपको भैरवी का मंत्र आना चाहिए, भैरवी का प्रणाम मंत्र आपको आना चाहिए। भैरवी की पूजा भी की जाती है, हाँ, उसका साधना विधान मैंने पहले भी दे रखा है, त्रिपुर भैरवी का दे रखा है। जब तारा और काली की भी साधना होगी तो इस मंत्र से भैरवी का आवाहन होता है और ये भी अनिवार्य विषय है कि आप भैरवी का उसमें आवाहन करें। तो आपको मैं अब बता रहा हूँ भैरवी मंत्र। इस मंत्र को भैरव पूजन के समय भैरव बाबा के आवाहन के बाद 7 बार जापा जाता है। इस मंत्र के सिर्फ जाप मात्र से भी बहुत सारे चमत्कारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वो मैं मंत्र बताने के बाद आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग मंत्र सुनिए, 3 बार मंत्र बोलूंगा, लिख लीजिएगा। ओम राज राजेश्वरी शक्तिर भैरवी रुद्र भैरवी शमशान भैरवी देवी त्रिपुरानंद भैरवी नमो नमः। फिर से मंत्र सुनिए। ओम राज राजेश्वरी शक्तिर भैरवी रुद्र भैरवी शमशान भैरवी देवी त्रिपुरानंद भैरवी नमो नमः। देखो, इसमें सबसे शुरुआत में राज राजेश्वरी शक्ति भैरवी की उपासना की गई, फिर रुद्र भैरवी के रूप में भैरवी की उपासना हुई, फिर शमशान भैरवी के रूप में देवी की उपासना हुई, फिर त्रिपुरा सुंदरी भैरवी के रूप में देवी की उपासना हुई। मतलब जितने तरह के गुण हैं सब गुणों के अनुरूप जो भैरवी हैं उनको एक मंत्र में ही प्रणाम कर दिया जाता है। एक बार फिर से मंत्र सुन लो। ओम राज राजेश्वरी शक्तिर भैरवी रुद्र भैरवी शमशान भैरवी देवी त्रिपुरानंद भैरवी नमो नमः। अब देखो, इस मंत्र का साधना विधान भी दिया है। इस मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना हो तो आपको क्या करना होगा? जैसे भगवती का यंत्र बनता है वैसे ही इनका भी यंत्र बनता है, बस थोड़ा उसमें अलग यह है कि त्रिकोण बना करके उसके बीच में त्रिशूल बनाते हैं और दोनों तरफ ओम लिखते हैं, ठीक है। और सामने जिस तरफ आप बैठ रहे हैं उधर ओम नहीं लिखेंगे, दक्षिणवर्ती इनका यंत्र बनता है और आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा। इस मंत्र को जब आप सिद्ध करने के लिए बैठते हैं तो इसमें ओम फट जुटता है, ठीक है। अगर आप 9 दिन, खास करके जो नवरात्र के 9 दिन है उसमें इसका 9 माला का जाप करें, सिर्फ चौमुखा दीपक, इनका यंत्र रोली से त्रिपुंड, उसके अंदर में त्रिशूल, दो तरफ ओम और एक तरफ आप बैठे रहें, और नवेद, पुष्प, धूप, गंध, ये जो पंच पूजा की सामग्री है ये चढ़ा दें, उसके बाद 9 माला रुद्राक्ष से इनका जाप करें। अंतिम दिन गूगल, लौंग, तिल और चीनी मिला करके, उसके बाद भगवती का चीनी नहीं तो मधु, अगर सॉलिडिफाइड आपको मिलता है तो वो, उसको मिला करके भगवती का हवन जो लास्ट में फट है, फट के बाद स्वाहा लगा करके करेंगे अगर उग्र करना है तो। अगर उग्र नहीं करना है भगवती का मंत्र, नमो नमः स्वाहा, इससे आप हवन करेंगे।
तो इससे भगवती भैरवी की साधना हो जाएगी। नहीं अगर सिद्ध करना है तो भी भैरव साधना करते हैं तो साथ में आप लोगों को भैरवी साधना भी करनी चाहिए, भैरवी की पूजा करनी चाहिए, भैरवी को मातृ रूप में आपको अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था आप लोगों को मंत्र देने के लिए। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और उनको सीखना है कि साधना कैसे करते हैं, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ एक्सटीएम फोर सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट भी मुझसे बात कर सकते हैं। आज के विषय को यही विराम देता हूँ। माता भैरवी आप लोगों को कृपा बरसाती रहे ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग।